कोई है क्या? सही आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो ये मेरा पहला व्लॉग हो सकता है या वीडियो। हम आए नासिक अंजनी फोर्ट। अभी हमने यहीं से स्टार्ट किया है, ये पीछे से ये यहीं से स्टार्ट होता है। अभी इसी बस में धुआं धुआं हो रहा था। नहीं मतलब मंदिर वही है, वो कहते नीचे ही है। ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट का व्यू है। इस पहाड़ के ऊपर है क्या आगे? इसी पहाड़ के पीछे है। तो ये तीन पहाड़ क्रॉस करके तब आता है। हाँ, तो श्री सिद्धार्थ क्षेत्र यहाँ मतलब 7 किलोमीटर का ट्रैक बन लग जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे पास पर्सनल बाइक नहीं है, बाइक या कोई पर्सनल वाहन नहीं है, तो हम 2-3 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो अभी भाई बारिश नहीं हो रही है, बारिश का सीज़न नहीं है, तो थोड़ा ठंडा तो मौसम है पर धूप निकली हुई है, गर्मी नहीं है। पर हाँ, सुबह के टाइम अब भी पूरा धुआं धुआं बादल होता है इधर, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ना ये। बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है। वाला मंदिर किसका है? ये वाला अंजनी माता का मंदिर, वही है अंजनी माता बार हनुमान। और वहाँ ऊपर ऊपर हनुमान जन्म स्थान, वो वहीं से दिखता है वो झील। तो दोस्तों, ये वाला पहाड़ है ना, इससे पीछे है जो हनुमान जी का जन्म स्थल है, और ये मंदिर अंजनी माता जी का है, जो उनकी माता जी हैं। ये अंजनी जो हनुमान जी की माता हैं, उनके ऊपर रखा गया है ये पहाड़ का नाम, इस जगह का नाम। हमें भाई इधर से घूम के आना था, पर हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रैक। ये माता अंजनी देवी का मंदिर है, हनुमान जी की जो माता जी थी। तो दोस्तों, अंजनी माता देवी के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये दोस्तों, हमने जल्दी चढ़ने के लिए ले लिया शॉर्ट रास्ता, और ये मुझे लग रहा है ये भारी नहीं पड़ जाए। ये व्यू देखिए, ये लेक है। अरे बहन चो, ये देख के। तो दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो ये एकदम खतरनाक ही रास्ता ट्रैक हम कर रहे हैं, अपने मन से चलते रहे हैं। ये पानी आ रहा है ऊपर से, ऊपर हमें एक वीडियो बनानी है स्टोरी के लिए हमारे वैभव को। वैभव इतनी मेहनत कर रहा, हमने शॉर्ट रास्ता लेके हम बहुत पास आ गए। ये भीड़ हमसे बहुत आगे निकल गई थी। ये वाली देखो, ये लोग कहाँ हैं ये सब। और ये देखो, यहाँ पे व्यू एकदम, यहाँ पे हवा भी चल रही है। ये यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ टिकट कटती है। पहले 20 था, अब 30 कर दिया है। वीडियो में 20 दिखाया था। यहाँ आपको कुछ भी फास्ट फूड खाना है, मैगी वगैरह, पानी, बिस्किट, चाय, जूस सब मिलेगा। यहाँ से होता है ट्रैक स्टार्ट। जो ट्रैक बहुत सुंदर है, एकदम अच्छे बना गया है। ये यहाँ से एंट्री, और ये हुआ हमारा ट्रैक स्टार्ट। एकदम तगड़ा पत्थरों से बनाया हुआ। यहाँ से ट्रैक लगभग 3.5-4 किलोमीटर का है। और ये स्टार्ट हुआ है, और एकदम ऊपर सीधा। भाई साहब, ये खतरनाक रास्ता, ये एकदम हर कदम पे बहुत खतरनाक ट्रैक है ये। इसे जिंदगी में एक बार जरूर करें, सेफ्टी के साथ करें, बहुत मज़ेदार। दोस्तों, ये खतरनाक ट्रैक अब तक का मेरा पहला तो नहीं, और भी किए उत्तराखंड में। और ये
एकदम रिस्की। दोस्तों हमारी तो हो गई हवा टाइट, वहाँ से वहाँ उस साइड से नीचे से आए हैं चढ़ के, यहाँ होके ये, और ये जो आदमी जा रहा है इसकी ये दुकान है, इतना ऊपर जहाँ हमारी सांस फूल गई, पैर भर गए, यहाँ से रोज सामान लेने जाता है। तो दोस्तों ये पीछे हम चढ़ के आ गए हैं, अभी हमें इस पहाड़ पे जाना है, इस पहाड़ के पीछे जाना है। तो दोस्तों इतनी ऊपर चढ़ने के बाद, दो पहाड़ क्रॉस करने के बाद हमें मिला ये तालाब। ये तालाब जितने एरिया में आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा ये हनुमान जी का पैर है। मतलब बताते हैं कि हनुमान जी ने जब सूर्य देव को मुंह में भरा था तो यहीं से छलांग लगाई थी, यहीं से जंप की थी, यहीं। मतलब इतना बड़ा इसका, मतलब आपको यहाँ से तो नहीं दिखेगा, पर जब मैं इस पहाड़ी के ऊपर जाऊँगा तो देखो वो जो लोग दिख रहे हैं यहाँ से, मैं आपको इसकी मतलब पैर की वो दिखेगी, पता चलेगी कि हाँ ये पैर की शेप है ये तालाब। रास्ता है ऊपर जाने का लास्ट पहाड़ का, वो ये वाला है, और अब हम जाएंगे इधर से, क्योंकि हमें इधर मिलेगा पानी शुद्ध जल, और यहाँ बोतल भी दे रहे हैं, बोतल बहुत महंगी है यहाँ पानी की। तो यहाँ आपको जैसे यहाँ पैसों से पानी मिलेगा बहुत महंगा, तो यहाँ आपको पानी मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पे ज़मीन से ही पानी, मतलब पाइपलाइन वगैरह कुछ होगी सुविधाएं, तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। और देखो नींबू लगे हुए हैं मोटे मोटे एकदम, ये बाबा जी यहाँ पे जो रहते हैं उनकी मेहनत है, ये एकदम अच्छा बना रखा है, फूल वूल गौशाला। और यहाँ पर बंदर बहुत हैं, बंदरों से ज़रा सावधान रहें। यहाँ पर गौशाला में मंदिर बने हुए हैं, ये बहुत एकदम शांति। यहाँ पे ये बर्तन वगैरह रखे हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जी का आश्रम सा घूम लिया, यहाँ से हमें पानी मिल गया ठंडा एकदम अच्छा। जब भी आप यहाँ आए तो आपको यहाँ पानी मिल जाएगा बिना पैसों का। और ये मतलब दो पहाड़ पार करने के बाद, एक बोतल आप नीचे से भर के लाएं, और दो पहाड़ पार करने के बाद यहाँ हमें एक भाई मिला जो व्लॉग बना रहा था, उससे भी हम मिले। भाई मुंबई का रहने वाला है, वो भी ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता है। तो ये पहाड़ के अंदर गुफा बनी हुई है, और इसके अंदर अभी तो कोई है नहीं, पर अंदर अंधेरा है तो ज़्यादा दिखेगा भी नहीं आपको। और ये गेट खुला हुआ है, यहाँ शायद कोई बाबा जी वगैरह रहते हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या एकदम मूर्ति भी बनी हुई है, ये देखिए हनुमान जी हैं ये शायद, और एक अंदर भी है वो तो अंजनी माता है। तो ये हो गई, अब यहाँ से रास्ता दिख नहीं रहा है, पर हमें ये हमारा ट्रैक, वैभव कह रहा है ये रास्ता गलत है। भाई मौसम बदल गया है कि मुझे ही लग रहा है, यहाँ तो यार ठंडा ठंडा एकदम लगने लग गया ना। अरे भाई और क्या, जब इतना ऊपर आ गए, दो पहाड़ चढ़ गए, तीसरा पहाड़ चढ़ रहे हैं। भाई साहब भाई खुद बनाओ रास्ता, चलो उधर मत जाए बेटी चोद, इस पे चल। देखता हूँ ऊपर आके, यहाँ से ही होगा यार। कौन सा रास्ता तुम्हें यहाँ से देख गया? भाई यहाँ फंस गए अब ना, वो नीचे रास्ता ये, यहाँ से आए हम यहाँ से, और ऊपर रास्ता ये।
ये ओ कोई है क्या, आवाज गूंज रही है। ये यहाँ पे फूल हैं नए एकदम तगड़े वाले, कुछ तो नया मेरा देखने को। चल शाबाश सीते चढ़ जा बेटे, ऊपर चढ़ के। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ दोस्तों हम भटकने के बाद अब आ गए हैं सही रास्ते पे, ऊपर चढ़े फिर उतरे। ये मान लो बस बची गई तो अब हमें सही रास्ता मिल गया है। दोस्तों ये हम आ गए हैं ऊपर, मतलब अभी पूरा ऊपर तो नहीं, थोड़ा सा अभी रह रहा है थोड़ा सा और। वो झंडा वहाँ एकदम ऊपर वो, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एकदम मजेदार। ये थोड़ा धुंध हो रहा है पर जो व्यू है एक नंबर। ये देखो यहाँ से जो मैं आपको बोल रहा था हनुमान जी का पैर, वो तालाब, ये देखो शेप देखो एकदम पैर की है, आ रही है एकदम, ये वही शेप है हनुमान जी का, इतना बड़ा पैर तो अंदाजा लगा लो हनुमान जी क्या चीज है। हाँ सब प्लेन लग रहा, हमें ही पता है हम कैसे कैसे आए हैं। वो मंदिर वहाँ से आए हैं। कहाँ से? वो माता जी का मंदिर। ओ हाँ वो अंजनी माता का मंदिर वो रहा, देखो तुम्हें दिखाऊं। वो वहाँ के लिए भी 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा था, 2 किलोमीटर दिखाऊं। देखो ये मंदिर, ये वाला मंदिर, ये अंजनी माता का मंदिर सबसे नीचे जो था 1.5-2 किलोमीटर मिनिमम। वो तपस्या मंदिर कौन सा ये? हाँ यहाँ पे की थी तपस्या और जन्म स्थल है ये। अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर, यहाँ हवा चल रही है खूब, मौसम हरी भरी एकदम जगह, क्योंकि अभी मानसून खत्म हुआ है ना, पूरा हरा भरा। यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है ये एकदम पूरा हनुमान जी के पैर का पूरा निशान, और ये हम आ गए टॉप पे। बस अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना है, उधर मंदिर है अंजनी माता और हनुमान जी का एक साथ। चलो दोस्तों अब चलते हैं उधर। तो दोस्तों आखिरकार हम माता जी के मंदिर और हनुमान जी के, दोनों जो साथ में मंदिर है सबसे ऊपर, 3 पर्वत पार करने के बाद और कम से कम 6-7-8 किलोमीटर का ट्रैक, कोई प्लेन नहीं है, बहुत तगड़ा ट्रैक है। तो हम आ गए हैं मंदिर, ये आ गए हम मंदिर, माता जी हम आ गए। हाँ वहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी तारीफ है, ये यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं, अब एक के ऊपर एक पत्थर रख के। यहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के जो बालपन का जो मंदिर और जो मूर्तियाँ वो सिर्फ यहीं मिलेंगी, यहीं पाई जाती हैं, और पूरे भारत में ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी। तो दोस्तों ये है वो मंदिर जिसके लिए हम सब लोग 3-3 पहाड़ चढ़ के आते हैं, और जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ, जहाँ पर माता अंजनी देवी जी को हनुमान जी प्राप्त हुए, उनकी तपस्या पूरी हुई, ये 3 पहाड़ों के ऊपर, 3 पहाड़ों को पार करने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या की, और उन्हें ला तो चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस माता की, उस बाल हनुमान जी इनके जो अपनी माता की गोद में है।
हम आ गए हैं माता जी के मंदिर के पीछे से रास्ता है ये थोड़ा सा, यहाँ मतलब पहाड़ जो ये बहुत ऊंचा पहाड़ है तो उसके पीछे है, तो यहाँ से एकदम नीचे को जगह है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये एकदम नीचे ही है बिल्कुल। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे वाटरफॉल चलता है, उधर चलता है, एक इधर चलता है, एकदम तगड़ा। और वो है त्र्यंबकेश्वर जगह मंदिर, वहाँ पे जाएंगे हम कल। तो अब हम आपको चलो वापस जाते टाइम इस दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और आपको एक मतलब नेक्स्ट लेवल बात बताता हूँ कि ये जो मंदिर के पास ये जो लोग यहाँ रहते हैं ना, ये इसमें इस जगह पे जैसे अभी बात की हमने, तो इनकी यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है ये इस मंदिर की सेवा में। मतलब इनके पूर्वज भी यहाँ पे ही रहे हैं और इस मंदिर की सेवा की है। सेवा इसे कहते हैं। तीन पहाड़ ऊपर इनका डेली का आना जाना है, इनका डेली का, ये जो साल भर में भी लोग नहीं करते हैं एक बार। ये तीन पहाड़ नीचे अपने दुकान के लिए, खाने के लिए, और यहाँ लाइट की नहीं है व्यवस्था। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने कुछ थोड़ा बहुत लगा रखा है बस, सोलर पैनल वगैरह, उसी से यहाँ पे रहते हैं बिना लाइट के। और यहाँ बताते हैं रात में जानवर भी आते हैं, तो बहुत सुविधा के साथ रहना पड़ता है, और मजाक नहीं है इतना ऊपर रहना, दुनिया से दूर एकदम, जितनी भी तकनीक हैं जो नई नई डेवलपमेंट हो रहे हैं सबसे दूर एकदम, तारीफ की बात है, हैट्स ऑफ। तो अब हम दोस्तों चल रहे हैं नीचे, अब करते हैं अपनी बात। चलो आपको नीचे चलते हुए थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे और मजे लेंगे। तो दोस्तों हम ऊपर से आ गए हैं, बस अब ये लास्ट पहाड़ है और यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ ऊपर हम अकेले बचे हैं और कोई नहीं है, बस वही औरत थी जो मैंने आपको बताया जो अकेली ऊपर रहती है, और एक बाबा जी थे जो गौशाला रखते थे, गायों को पालते थे वो थे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा दिखा दूँ, लो ये शाम का मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, एकदम शाम का वेदर मस्त। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम हो गए हैं काफ़ी लेट। तो ये देखिए नासिक सिटी, अंधेरे में लाइट जल गई पूरे, हम अकेले ऊपर बचे हैं और ये ऊपर पहाड़ी। तो दोस्तों अब हम ऊपर से आ गए हैं नीचे, लाइट थी नहीं कहीं भी, तो अब हम सबसे नीचे आके बना रहा हूँ। दोस्तों ये था हमारे ब्लॉग एंड, तो मुझे बताना ज़रूर आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा ब्लॉग देख के, और अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें। मेरा पहला ये ब्लॉग है, पहली ये वीडियो है मैंने इस तरीके से बनाई है, सपोर्ट करें मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे।